हाँ जी बच्चों, आपने नो डाउट ये कर लिया होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या आया है। इसका आंसर आया है बेसिकली 4.4 ईयर्स। और जिन बच्चों ने मंथ्स में कैलकुलेशन की है तो 4 ईयर्स एंड 4.8 मंथ्स, राइट। चलिए सर आगे चलते हैं। हमने कहा ये आपने, मुझे विश्वास है कि आपने डेफिनेटली कर लिया होगा, राइट। अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं बच्चों। इसके बाद पेबैक पीरियड भी ना, पेबैक पीरियड ये भी दो तरह का होता है। पेबैक पीरियड होता है एक तो सिंपल पेबैक पीरियड और एक होता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ठीक है। अब ये इसमें फर्क क्या होता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सिंपल पेबैक पीरियड का मतलब हुआ कि जो हम कर रहे थे अभी, हमने जो पैसा लगाया था वो पैसा हमारे पास कितने समय में वापस आएगा, राइट। पर सर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के अंदर थोड़ा सा चीजें हमारी बदल जाती हैं। पर सबसे पहले तो ये सवाल कि सर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड को बनाने की जरूरत क्या पड़ी, व्हाई, राइट। अब इस पर्पज के लिए आपको बताना चाहूंगा। मैंने कहा सर हमारे पास दो प्रोजेक्ट है, सपोज प्रोजेक्ट वन एंड प्रोजेक्ट टू, राइट। अब मैं अगर मैं इन दोनों का पेबैक पीरियड आपको दे दूं, बता दूं पेबैक पीरियड अगर मैं आपको बता दूं, तो क्या बता सकते हो कि दोनों में से किसको सिलेक्ट करेंगे, बता सकते हो? मैं कहा सपोज करो यहां पर है 2 ईयर्स और ये है 3 ईयर्स, तो किसको सिलेक्ट करोगे? आपको सर हम ऐसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जहां पर कि हमारा पैसा जल्दी वापस आ जाता है। तो आपने कहा सर कहां पर किसको सिलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट वन को, यही कहेंगे आप। बट सर आपने जब सिंपल पेबैक पीरियड के बेसिस पर अपना आंसर दे दिया ना, तो यू आर नॉट 100% करेक्ट इन ऑल द टाइम्स। ऐसा क्यों बच्चों? देखो मैंने प्रोजेक्ट वन के लिए आपको कुछ बातें बताई। मैंने कहा सर 1, 2, 3 हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह का है। हमारा प्रोजेक्ट इस तरह का है कि आप स्टार्टिंग में कॉस्ट खर्च करोगे 10 लाख रुपए की, राइट। और जो आपका कैश इनफ्लो अराइज होगा ना वो ऐसे होगा 5 लाख और 5 लाख, उसके बाद कुछ नहीं। प्रोजेक्ट टू कैसा है? प्रोजेक्ट टू है कि यहां पर भी कॉस्ट जो है वो 10 लाख की है, राइट। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। तो यहां पर हमारा जो कैश इनफ्लो अराइज हो रहा है वो अराइज हो रहा है सपोज करो 3 लाख, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख। उसके बाद फोर्थ ईयर में अराइज हो रहा है 2 लाख, उसके बाद अराइज हो रहा है 4 लाख। पेबैक पीरियड देखो 3 ईयर्स आ गया या नहीं आ गया? पेबैक पीरियड 3 ईयर्स आ गया, राइट। तो देखो पेबैक पीरियड यहां पर भी कितना आ गया, 2 ईयर्स। तो हमने पेबैक पीरियड का जब ऊपर बेस पर आंसर दिया तो हमारा आंसर हमेशा हमेशा एक्यूरेट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पेबैक पीरियड हमारे द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा तो आइडेंटिफाई करके वापस रिकवरी कर लेता है, बस इसके अलावा कुछ भी रिकवरी नहीं करता। आपको उसे इसके अलावा रिकवर करने की जरूरत क्या है? सर बिल्कुल है, ध्यान से सुनो बच्चों। जब आपने इस पैसे को अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया तो डेफिनेटली आप ये चाहते हो कि ये पैसा आपके पास वापस आ जाए, राइट। बट सर इसके अलावा भी आपकी कॉस्ट है। अच्छा अभी क्यों चाहते हो कि ये पैसा आपके पास वापस आ जाए? क्योंकि ये आपने अपनी जेब से खर्च किया है, क्योंकि ये आपकी कॉस्ट है, राइट। बट सर आपकी कॉस्ट सिर्फ ये वाला पैसा नहीं है, इसके अलावा एक और कॉस्ट भी है जो आप यहां पर बेसिकली इंकर कर रहे हो। कैसे इंकर कर रहे हो? कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में पैसे को नहीं लगाते तो इस पैसे को अपने पास जेब में लेके घूमते? क्या आपने घर के लॉकर में रख देते? ब्लैक मनी है तो रख देंगे, है ना। बट सर अगर ब्लैक मनी है तो फिर यहां भी नहीं लगा सकते। तो मतलब आप इस पैसे को कहां पर रखोगे? बैंक में। अगर बैंक में रखोगे तो बैंक वाला आपको 7%, 8%, 9% तो दे देगा। तो मतलब आप जब इस पैसे को इस प्रोजेक्ट में लगा रहे हो तो इस सिचुएशन के अंदर आपके पास जो 7% बैंक से आता वो नहीं आएगा। इज इट योर कॉस्ट? यस, दिस इज ऑल्सो आवर कॉस्ट। ये भी हमारी कॉस्ट है। और अगर ये भी हमारी कॉस्ट है तो हमें इस कॉस्ट को भी कंसिडर करना चाहिए, राइट। तो व्हाट आई मीन टू से कि हमने पेबैक निकालते समय ना बेसिकली इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को नहीं देखा, राइट। बल्कि मैं तो कहूंगा
हालांकि हमारे क्वेश्चन में अपोर्शन कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही कहते हैं, इसको हम लोग एक और नाम से जानेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पर बच्चों अपोर्शन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी एक ऊपर कोई चीज होगी, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान सुनना। बैंक से अगर आपको मान लो 7% रिटर्न मिल रही है और ये प्रोजेक्ट भी आपको मान लो 7% रिटर्न दे दे, तो आप इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे या फिर बैंक में? अरे भाई बैंक में ना, मुझे रिस्क लेने की जरूरत क्या है, मैं घर में बैठूंगा, ठंड के समय में पकोड़े खाऊंगा, गर्मी के समय में एसी में बैठूंगा, तो why I have to take such a kind of risk in the business? 10 लाख को बिजनेस में क्यों लगाऊंगा मैं, अगर मुझे उतना ही मिल रहा है जितना कि बैंक वाला मुझे घर बैठे अपने अपने आराम से दे रहा है, राइट? तो मतलब मुझे अपने प्रोजेक्ट से जो पैसा एक्चुअल में रिटर्न की फॉर्मेट में चाहिए वो उतना नहीं चाहिए जो बैंक वाला दे रहा है, उससे ज्यादा चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए। तो what I mean to say दैट हमारा जो यहां पर हमारे जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन होती है प्रोजेक्ट की, उसको हम बोलते हैं एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजायर रिटर्न, एंड आवर दिस डिजायर रिटर्न इज ऑलवेज ऑलवेज मोर देन द रेट ऑफर्ड बाय द बैंक। बैंक से तो ज्यादा ही हम एक्सपेक्ट करेंगे, राइट? महंगा लेटर से 15%, तो इस 15% में अपोर्शन कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है, और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के कारण से जो हमें रिस्क मिल रहा है उसका प्रॉफिट, उसका प्रीमियम भी है, राइट? तो आप समझते हो कि सर हर एक बिजनेस जो है, एवरी बिजनेस विल नॉट प्रोवाइड द सेम काइंड ऑफ द रिस्क, राइट? मैंने कहा सर आपने एक जॉब की हुई है, जॉब कर रहे हैं आप, तो जॉब में आपको जो है सैलरी के लिए बोला हुआ है कि आपको सैलरी का पैकेज दिया जाएगा 20 लाख रुपए पर एनम का, राइट? आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस ये आपका यही प्रोफेशन है, राइट? तो आर यू टेकिंग एनी एक्चुअल रिस्क? नहीं, राइट? अच्छा इसमें तो कोई रिस्क दिख ही नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि पैसे बंदे बंदाए मिल रहे हैं। लोग जो है ज्यादातर जॉब करना क्यों जाते हैं, पता है कि पैसे मिल जाएंगे, इंसान की लाइफ जो है वो तसल्ली से चलेगी, तो दैट इज गुड। पर सर बिजनेस में कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती, राइट? अब मैंने कहा सर एक नया स्टार्टअप है, अच्छा एक नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस जो है मान लो 20% रिटर्न देता है, ठीक है? अब मैंने कहा एक नया स्टार्टअप है, नया स्टार्टअप को कोई नाम आप बताओ, आजकल एक बड़ा नाम फेमस है, दैट इज पेटीएम करो, है ना? इट्स इट ए बिजनेस और स्टार्टअप? स्टार्टअप बिजनेस में क्या फर्क है? बिजनेस करता है प्रॉफिट को अचीव करने के लिए, स्टार्टअप करता है पब्लिक को अचीव करने के लिए। एक बार पब्लिक जब अचीव हो जाएगी तो उसके बाद वो प्रॉफिट के बारे में सोचता है, राइट? अब मैंने कहा सर एक स्टार्टअप है जिसने कि अभी ऑलमोस्ट मतलब डेटा आया था कि वो 1,000 करोड़ रुपए का पर मंथ लॉस में है। पेटीएम इज इन लॉस और प्रॉफिट? लॉसेस। फ्लिपकार्ट इज इन लॉस और प्रॉफिट? लॉसेस। अमेजोन इंडिया राइट नाउ इज इन प्रॉफिट और लॉस? लॉस। जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स के नाम हम जानते हैं ऑल आर रनिंग इन द लॉसेस। व्हाई दे आर रनिंग सो मच ऑफ लॉसेस? बिकॉज दे हैव ए फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, दे थिंक दैट दे विल चेंज द हैबिट ऑफ द पीपल्स, राइट? वंस द हैबिट ऑफ द पीपल विल गेट चेंज्ड देन दे विल अर्न द प्रॉफिट्स। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, बच्चा कोई पूछता है कि सर फ्लिपकार्ट लॉस में है, अमेजोन लॉस में है, व्हाई दे आर रनिंग? सो मैं कहता सर जब चाय आई थी ना, चाय मतलब मैंने भी ऐसा सुना है, मैं भी उस समय नहीं था, मैंने अपने बड़ों लोगों से सुना है, जब चाय आई थी तो लोगों को फ्री में चाय पिलाई गई थी, फ्री, और चाय पिलाने के साथ साथ उनको पिक्चर भी दिखाई गई थी। एक बड़ा सा पर्दा लगा दिया जाता था और कहा जाता था कि आप पिक्चर देखो, फ्री की चाय पियो, राइट? और आज चाय कंपनी कितना बड़ा बिजनेस कर रही है, चाय इज अ बिग बिजनेस, राइट? सो पेटीएम करो, तो पेटीएम तो करोगे आप, तो बिजनेस किसका सेट हो जाएगा? पेटीएम वाले का, राइट? आदत पड़ती जाएगी, कैश कम पेटीएम ज्यादा, कैश कैरी करने में टेंशन तो होती ही है ना? तो यहां पर अगर बिजनेस कैश कैरी किए, अगर आप जो है, हो सकता है कि पेटीएम बहुत बड़ा ब्रांड बन जाए, हो सकता है कि पेटीएम बहुत ज्यादा आगे जाके सक्सेस ना कर पाए, तो क्या उसका इन्वेस्टर भी यहां पर 20% रिटर्न ही अर्न करने के बारे में सोच रहा होगा? नॉर्मल बिजनेस इज अर्निंग
at 20%, whether the Paytm businessman is also expecting 20%? No, expectation ज्यादा या कम? ज्यादा. तो यहां पर उसकी एक्सपेक्टेशन नो डाउट इससे ज्यादा होगी, 25 होगी, 30% होगी, 40% भी बढ़ावा. जितना ज्यादा रिस्क होता है बिजनेस में, उतना हमारी बिजनेस से एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होती है. जितना ज्यादा रिस्क होता है बिजनेस में, उतनी एक्सपेक्टेशन भी. तो मतलब प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट टू, प्रोजेक्ट थ्री, प्रोजेक्ट फोर, अगर डिफरेंट डिफरेंट 4, 5, 6, 7 प्रोजेक्ट है और सभी के सभी का नेचर अलग अलग है, तो सबका जो ये हमारा डिजायर रिटर्न है वो एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा. किसको डिसाइड करना पड़ेगा? आपको, मुझे? नहीं, बिजनेसमैन को. हाउ द बिजनेसमैन, हाउ द इन्वेस्टर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस हिज बिजनेस. तो इसलिए आपको, मुझे इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बट वी मस्ट हैव ए नॉलेज कि यस, वी हैव टू टेक दिस डिजायर रिटर्न ऑल्सो. हमने पेबैक पीरियड निकालते समय ये जो डिजायर रिटर्न थी ना, डिजायर रिटर्न 7%, 8%, 20%, इसको हमने कंसिडर नहीं किया, है ना. तो बच्चों, जब हम इस 7%, 8%, 20% को भी कंसिडर करेंगे, उसके बाद पेबैक पीरियड निकालेंगे, दैट काइंड ऑफ पेबैक पीरियड इज कॉल्ड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. आई थिंक क्लियर. मैं रिपीट करता हूं, मैंने कहा पेबैक पीरियड का, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का मीनिंग क्या है. लिखेगा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. इट इज अ टाइम गैप विद इन विच, ऑलमोस्ट वैसे जैसे कि पहले स्टार्ट किया था, पहले लिखा था, विद इन विच वी आर अर्निंग, या वी आर, वी नहीं, सॉरी, विद इन विच इन्वेस्टर इज गेटिंग हिज मनी बैक विद, हां जी, क्या लिखूं, विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑब्लिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑब्लिक डिजायर रिटर्न ऑब्लिक, इसका एक और नाम हम लोग कई बार क्वेश्चन में देखेंगे, दैट इज मिनिमम डिजायर रिटर्न. राइट. सो मिनिमम डिजायर रिटर्न को कंसिडर करने के बाद हमारा बिजनेसमैन, हमारा इन्वेस्टर, इन्वेस्ट किया गया पैसा कितने समय में वापस रिकवर कर लेता है, उस टाइम गैप को, उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. आई थिंक क्लियर. राइट. अब आप कहेंगे सर इसको फाइंड कैसे करेंगे? बच्चों, इसको फाइंड करने के लिए आपको, मुझे थोड़ा सा टाइम वैल्यू मनी रिपीट करना होगा, करवाना होगा. राइट. समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बड़ा सिंपल है बच्चों. इनफैक्ट मैंने कहा रिपीट क्यों कर रहा हूं, रिपीट इसलिए, रिपीट वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि टाइम वैल्यू मनी हर बच्चे ने कहीं किया हुआ. आपको हमने नहीं किया हुआ? राइट. बिल्कुल किया हुआ सर, बिल्कुल. आप झूठ बोल रहे हो, आपको पता नहीं. देखो, मैंने कहा सर आज की वैल्यू 1,00,000 रुपए है, बताओ 5 साल के बाद ये वैल्यू कितनी होगी, जिसमें कि आर जो है वो 10% है. हाँ जी, किया हुआ है या नहीं? यस, किया हुआ है. तो 5 साल के बाद जो वैल्यू होगी उसको मैंने अमाउंट बोल दो. राइट. आप कहेंगे सर ये जो मेथड होता है अमाउंट निकालने का, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड मेथड. और कंपाउंडेड वैल्यू मेथड के अंदर हम लोग अमाउंट जो फाइंड करते हैं, दैट इज अमाउंट ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r⁻T, एक फॉर्मूला होता है. यस. यस सर. अच्छा, अमाउंट फाइंड कर रहे हैं, पी कितना है, 1,00,000. 1+r कितना है, 0.10. टाइम कितना है, 5 years. सो अमाउंट इज इक्वल टू 1,00,000 इंटू दिस इज, वी हैव दिस नंबर वी हैव. अब बच्चों ये जो नंबर है ना, 1 × 1+0.15, इसको हम बोलते हैं कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर. क्या बोलते हैं? कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर. और जो ये कंपाउंडेड वैल्यू फैक्टर होता है, दैट कैन बी कंप्यूटेड इन द टू वे. हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं. ये दो तरीके कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कैलकुलेटर और दूसरा होता है टेबल. राइट.
कैलकुलेटर एंड टेबल। पहले कैलकुलेटर बता दूं, पहले कैलकुलेटर बताता हूं। कैलकुलेटर से कैसे करना होगा, आप पहले 1.10 लिखो, आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है, पावर 5, ये नंबर निकालना है। तो कैलकुलेटर पर ऐसे कैसे निकालेंगे, पहले 1.101 लिखो, 1.1, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करो, फिर इक्वल टू का साइन प्रेस करो। इस तरह से जो आपकी कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आपके पास आंसर होगा वो पावर 2 का होगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू और प्रेस करो तो आपके पास आपके स्क्रीन पर आंसर होगा वो 3 का होगा। पहली बार जो आंसर आया वो किसका आया, 2 का, उसके बाद 3 का, उसके बाद फिर से एक बार और इक्वल टू, आंसर किसका आएगा, 4 का, एक बार और इक्वल टू, 1.10 पावर 5। आपको कितनी पावर चाहिए थी, 5 पावर के लिए आपने इक्वल टू कितनी बार प्रेस किया, 4 बार, बी केयरफुल, राइट। एक कैलकुलेटर मुझे दिखाइएगा। तो जो हमने कहा हम आपके साथ एक बार कैलकुलेटर पे करके देखते हैं कि क्या आता है। तो डेफिनेटली 1.1 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू पावर कितनी आ गई, मतलब आंसर जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर वो क्या है, पावर 2 का, एंड देन इक्वल टू पावर 3, पावर 4, पावर 5, ठीक है। तो ये जो नंबर आ गया वो कितना आ गया, 1.61051, राइट। और इस नंबर को हम लोग यहां पर यूज करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 1 लाख इंटू 1.61051, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 1.61051 लाख। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो नंबर निकाला ना, ये नंबर बेसिकली शो क्या कर रहा है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये नंबर शो कर रहा है कि अगर T0 पर 1 रुपए की वैल्यू है और अगर रेट 10% है तो इस 1 रुपए की वैल्यू 5 साल के बाद क्या बन जाएगी, 1 रुपए की वैल्यू अगर ये बन जाएगी तो 1 लाख की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1.61051 लाख। यस, अच्छा तो बच्चों ये तो हमने कहा ये है कैलकुलेटर का कमाल। अब टेबल से करेंगे तो कैसे करेंगे, तो बच्चों आपकी बुक के सबसे लास्ट में हमने एक टेबल दी हुई है, उस टेबल को आप निकालिएगा। हाँ जी बच्चों, जब आप टेबल देखेंगे ना बच्चों, टेबल कौन से देखेंगे, टेबल देखेंगे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल, राइट। अब टेबल में क्या होगा, ध्यान से सुनेगा, टेबल में क्या होगा कि इस तरह से दो नंबर, मतलब दो तरह से नंबर गिवन होंगे, रेट एंड टाइम। रेट गिवन होगा 1%, 2%, 3%, 4%, सो ऑन, और टाइम गिवन होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, राइट। अब आप देखो कि आपको जो कैलकुलेशन में वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, यू नीड दिस, दिस क्या चाहिए आपको, 1.10 पावर 5, राइट। तो टाइम कितना चाहिए आपको, 5 ईयर्स। रेट कितना चाहिए, तो यहां पर 10% ढूंढ लेना, राइट। इस 5 को और इस 10% को, इन दोनों को मैच कर देना, गॉट इट। तो ये कितना है, 1.61051, सेम है या नहीं, टेबल देख के बताओ सेम है या नहीं। हाँ जी, मिल गया, नहीं एनुअल टेबल नहीं बोला मैंने, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर टेबल। देखो 1.611 आ रहा है ना आपका, 1.611, तो मतलब इससे क्या किया गया है, थर्ड डिजिट को फोर्थ के बेसिस पर राउंड ऑफ कर दिया, बात तो एक ही है, 1.61051 या 1.611 हैव द सेम थिंग, आई थिंक क्लियर। चलिए कम बैक, बहुत अच्छी बात। तो बच्चों हमने कहा हम टेबल से भी देख सकते हैं और हम कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। ये कब किया हमने, जब हमने आज की वैल्यू को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फ्यूचर में। अब बच्चों अगर आपको फ्यूचर की वैल्यू को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, हमने कहा सर सपोज करो 5 लाख रुपए की, चलो 1 लाख रुपए की वैल्यू 5 साल के बाद है, आज की जो वैल्यू है बताओ आज की वैल्यू कितनी होगी, अगर रेट जो होगा मान लो वही का वही रेट ले लेते हैं 10% विद द कंपाउंडेड अप्रोच, राइट। तो बच्चों बताओ कि आज की वैल्यू कितनी होगी, क्या कहते हो, कैसे निकालेंगे। देखो हमारे पास फॉर्मूले 2, 3, 4, 5 नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। एक ही फॉर्मूला कौन सा है, दैट अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r पावर t, यही फॉर्मूला है और कुछ नहीं। अब p कितना पता नहीं, अमाउंट कितना 1 लाख, p नहीं पता, 1 + r कितना 10%, टाइम पीरियड कितना 5 ईयर्स। तो क्या आप यहां से p नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकल जाएगा बच्चों। ये जो नंबर है ना, ये नंबर, बी केयरफुल, ये नंबर,
इस नंबर को भी हम एक नाम देते हैं, इसको हम नाम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसमें रेट कितना है 10%, टाइम पीरियड कितना है 5 years, और ये 1 lakh ही है, इक्वल टू व्हाट पी। और जो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है दैट कैन बी कंप्यूटेड इन एनी ऑफ द टू वेज, आप यहां पर भी इसको दो तरीकों से फाइंड कर सकते हो। ये दो तरीके कौन कौन से होते हैं, फिर से वही कैलकुलेटर और दूसरा टेबल। पहला मेथड क्या है कैलकुलेटर, और दूसरा मेथड क्या है टेबल। राइट, मैं पहले कैलकुलेटर बता दूं, कैलकुलेटर से क्या करना होगा 1/1.10 power 5 की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो ये वैल्यू फाइंड करने के पहले 1.10 से स्टार्ट करो, फिर डिवाइड बाय इक्वल टू करोगे तो आपकी स्क्रीन पर जो आपके पास आंसर होगा वो क्या होगा, आपके स्क्रीन पर आपके पास आंसर होगा 1.10 power 1 का, ठीक है। फिर से इक्वल टू प्रेस करो तो आपके स्क्रीन पर आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा पावर 2 का। फिर से इक्वल टू प्रेस करो आपके स्क्रीन पर जो आपके पास आंसर होगा वो होगा 3 का। फिर से इक्वल टू 1.10 power किसका होगा 4 का। एक बार और इक्वल टू तो आपके पास जो आंसर होगा वो किसका होगा 5 का। इज इट क्लियर? डिवाइड वाले केस में 5 power लाने के लिए आपने कितनी बार इक्वल टू प्रेस किया, 5 बार। हमारा ये डिवाइड वाला केस है ना, तो आपने इक्वल टू कितनी बार प्रेस किया 5 बार। मल्टीप्लाई वाले केस में 1 बार कम था, बट डिवाइड वाले केस में ऐसा नहीं है। राइट, तो शुड आई डू, तो हमने कहा लेट अस स्टार्ट 1.1 divided by equal to power 1 power 2 power 3 power 4 power 5, तो मेरे पास आ जाता है 6.6208 9921। और अगर मैं इसको थर्ड डिजिट को राउंड ऑफ कर दूं तो क्या बन जाएगा 621। मैं इस 621 को यहां पर यूज करूंगा दैट p इज इक्वल टू 1 lakh into 0.621, यानी कि p इज इक्वल टू 62,100। हाँ, अब ये जो नंबर है ये क्या शो कर रहा है, मैं आपको बता देता हूं। ये नंबर शो कर रहा है कि अगर 5 साल के बाद 1 रुपए की वैल्यू है तो आज जो है अगर वो 10% है तो आज की जो वैल्यू है ना, आज की वैल्यू वो कितनी है 0.62। 1 रुपए 5 साल के बाद की वैल्यू आज कितनी है 0.62। तो हमने कहा एक रुपए नहीं, हमारे पास 1 लाख की वैल्यू आज कितनी होगी 62,100। ऐसे किया ना हमने, ओके। पर सर टेबल से कैसे करेंगे? अब जो टेबल जब देखोगे ना, तो टेबल कौन सी देखनी होगी मैं आपको पहले बता देता हूं। आपको टेबल देखनी होगी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल, टेबल कौन सी देखनी होगी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये टेबल भी वैसे ही है जैसे हमारे पास पहले वाली टेबल थी। राइट, यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी आपके पास दो लाइंस चल रही होंगी, यहां पर चल रहा होगा रेट और यहां पर टाइम। वही रेट 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% and so on, टाइम 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on। कितने ईयर्स की बात हो रही है यहां पर, 5 years की। कितने रेट की बात हो रही है 10%, तो 5 years के सामने 10% के नीचे इसको हम लोग मैच कर लेंगे, और आप देखोगे ये वाला जो नंबर है वो भी कितना होगा 0.62। तो आप टेबल से भी देख सकते हो और कैलकुलेटर से सिंपल वे में भी कर सकते हो। आई थिंक इजी। अच्छा, अब आप थोड़ा सा याद करो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में क्या कर रहे हैं, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। राइट, मैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पे वापस आ गया, और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का मतलब मैंने आपको क्या बताया, इट इज द टाइम गैप विद इन विच इन्वेस्टर इज गेटिंग हिज इन मनी बैक विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर डिजायर रिटर्न, या फिर मिनिमम डिजायर रिटर्न। राइट, नाउ द एग्जाम्पल विद दिस। राइट, अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट कौन सा एग्जाम्पल है, ये क्या एग्जाम्पल बनेगा? सो ऑलमोस्ट ऐसे ही एग्जाम्पल होगा जैसे कि पहले किया था हमने। सर T0 पर जो आपके पास कॉस्ट है वो है 10 लाख की सपोज करो, और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। राइट,
एंड कैश इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज है लेट्स से 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने लिख दिया, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं 9%। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या फाइंड करो, फाइंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड। बच्चों कभी कभी क्वेश्चन आपका बोलता है पेबैक पीरियड फाइंड करो, तो इस केस में कौन सा पेबैक पीरियड फाइंड करोगे, डिस्काउंटेड वाला या सिंपल वाला? सिंपल वाला। वैसे तो मैं तो कहूंगा कि दोनों ही फाइंड कर देना अगर कर सकते हो तो, पर सिंपल वाला भी करोगे तो चल जाएगा। ओके, यहां पर तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ही कह रहा है फाइंड करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ सोच के बताओ। स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, राइट। पर क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो के अलावा यहां पर हमें दूसरा काम भी करना है कि जो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी, उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी हर एक नंबर में से हटा देना होगा, राइट। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नाम मैं यहां पर बदल रहा हूं, इसको मैं बोल रहा हूं बेसिकली मिनिमम डिजायर रिटर्न, मिनिमम डिजायर रिटर्न। तो मिनिमम डिजायर रिटर्न मैं यहां से हटा रहा हूं, राइट। अच्छा बच्चों, ऊपर देखो, ऊपर देखो एक बार, 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों, ये 5 साल हैं, इन 5 साल के अंदर आपके पास कैश इनफ्लोज हैं, वी हैव 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड 4 लाख, राइट। पहले पहले क्या करते थे हम लोग, हम कहते थे कि 10 लाख का जो अमाउंट है ना, वो कितने सालों में रिकवर हो जाएगा, वो जो टाइम पीरियड है, टाइम अमाउंट है, टाइम टाइम है, दैट इज पेबैक पीरियड। अब तो ऐसा नहीं कर रहे, अब क्या कर रहे हैं कि सर जो 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख रुपए हमारे हुए ना अमाउंट आया है, उसमें से पहले हम लोग रिटर्न, रिटर्न जो है वो रिकवर करेंगे। बच्चे कहते हैं रिटर्न क्यों, पहले तो आप अमाउंट रिकवर करो। मैं बच्चों का एग्जांपल बोलता हूं, बच्चों बताना, जो भी मतलब मुनीम होते हैं, जो वो पैसा ब्याज पे देते हैं, तो जब पैसा वापस दिया जाता है तो पहले वो ब्याज रिकवर करते हैं या फिर मूल यानी कि प्रिंसिपल रिकवर करते हैं? ब्याज, राइट। मतलब कहा जाता है मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, राइट। फिर बच्चों गौर समझाता हूँ, बच्चों बताओ आपके घर में दादा दादी होंगे, तो दादा दादी जो है वो आपके पापा को ज्यादा प्यार करते हैं या फिर आपको ज्यादा प्यार करते हैं? हमें मतलब पोते पोतियों को ज्यादा करते हैं, क्योंकि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा है उनके लिए, तो आप ब्याज हो, मूल तो उनका बेटा बेटी है ना। तो पहले हम लोग ब्याज मूल मतलब ब्याज को रिकवर करते हैं, उसके बाद मूल को रिकवर करेंगे। तो जो कैश इनफ्लो 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख रुपए का आपके पास आ रहा है ना, उसमें से पहले हम लोग इंटरेस्ट कॉस्ट को रिकवर करना चाहते हैं, यानी कि मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न। वो कैसे रिकवर करें, हमने कहा सर 4 लाख को हम लोग पहले, हम लोग इसमें से 9% का रेट क्या कर देंगे, प्लस या माइनस? 4 लाख रुपए को हम लोग पहले 30 रुपए बना देंगे 9% के रिटर्न को हटाकर, माइनस करके, राइट। 9% रिटर्न हटाने के लिए 1+r/t से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइड करेंगे। आपको अगर कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे पूछो, अभी भी थोड़ी देर पहले हमने कहा देखो टाइम वैल्यू में 1 लाख की वैल्यू, 30 रुपए की वैल्यू को 5 साल के बाद की वैल्यू बनाने के लिए हमने जो है 1+r/t से मल्टीप्लाई किया, उससे इससे क्या हुआ कि फ्यूचर की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? राइट, फ्यूचर की वैल्यू जो है वो बढ़ गई थी, 1 लाख रुपया जो है वो क्या बन गया था, 1,61,000 समथिंग। तो जब हम 1+r/t से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 1+r/t से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, एड। और एग्जांपल नंबर टू में, एग्जांपल नंबर टू में, अरे कहां गया भाई एग्जांपल, ये रहा। हमने कहा सर हमारे पास 1 लाख की जो वैल्यू है वो फ्यूचर की है, इससे हम आज की वैल्यू निकालेंगे, इससे जब हम आज की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो 1 लाख से कम होगी, ज्यादा होगी? कम होगी। हमने देखो क्या किया, इस 1 लाख से 1+r/t को प्लस डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, हाँ जी डिवाइड किया। बड़ा सिंपल सा रूल है, आज की वैल्यू को फ्यूचर बनाना है, यानी कि टाइम वैल्यू मनी प्लस करना है, 1+r/t से मल्टीप्लाई कर दो। अगर फ्यूचर की वैल्यू को आज बनाना है तो आपको बेसिकली फ्यूचर की वैल्यू को आज बनाने के लिए इस वैल्यू को कम करना होगा, तो 1+r/t से डिवाइड कर दो, ठीक है।
मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो बच्चों मुझे बताओ टाइम वैल्यू मनी 9% इस 4 लाख में से क्या करनी है, प्लस या माइनस? माइनस करनी है। तो हमें 1 + r/t से डिवाइड करना होगा। तो बच्चों कहने का मतलब ये, हमने 4 लाख को 1 + 0.09 / 1 से डिवाइड किया, फिर अगले 3 लाख को अगले 3 लाख को फिर से हम लोग टाइम वैल्यू मनी को हटाने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर अगले 3 लाख के लिए 0.09 / 3, फिर अगले 4 लाख के लिए 1 + 0.09 / 4, फिर अगले 4 लाख, मतलब हम लोग सबको जो है 1 + r/t से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और इन अब जो ये नंबर्स आ जाएंगे ना, प्लीज हेयर एक मिनट, अब जो ये नंबर्स आ जाएंगे उसके बाद देखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स हमारे नंबर्स, ये 10 लाख रुपए का अमाउंट जो हमने टीजू पे खर्च किया था वो कितने साल में 10 लाख रुपए रिकवर करते हैं। अब जो टाइम गैप आएगा, डैट टाइम गैप इज कॉल्ड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। आई थिंक क्लियर। तो बच्चो हम लोग इसके लिए टेबल बना रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। ईयर्स 1, 2, 3, 4, 5 years, कैश इनफ्लोस एंड वी हैव द डिफरेंट कैश इनफ्लोस। देखो तो 4, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 4, 4, राइट। और बच्चों मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक टेबल में कंपोनेंट लिख दिया, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। रेट कितना है 9%, टाइम पीरियड टी। हाँ जी, हमें इसको 4 लाख को मल्टीप्लाई करना होगा 1/1 + r 0.09 / 1 से, राइट। इस नंबर को बच्चों याद है मैंने क्या कहा था, क्या कहेंगे इसको, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कहां से आ जाएगा, या तो टेबल से या तो कैलकुलेटर से। तो आप कहीं से भी निकाल देना, मेरे पास भी कैलकुलेटर है, आई कैन फाइंड आउट इट। मतलब 1.09 डिवाइड बाय इक्वल टू, तो मेरे पास आता है इट्स कितना आता है 0.9174, राइट। अगली बार क्या करना होगा, 1.09 / 2 चाहिए मुझे, तो मैं इसको बस एक बार इक्वल टू प्रेस कर दूंगा, जस्ट वन टाइम इक्वल टू, एक बार इक्वल टू प्रेस कर देंगे तो यह आ जाएगा 0.8416, है ना। अगली बार पावर कितनी है 3, एक बार और इक्वल टू तो आ जाएगा 0.7721 या 2222। बच्चे पूछते हैं कि बच्चों कि सर हम लोग जो है 3 डिजिट तक करें या 4 डिजिट तक करें, तो मैं कहूंगा सर टेबल तो 3 डिजिट तक कहती है, पर अगर आपको आंसर बहुत ज्यादा एक्यूरेट चाहिए तो 4 डिजिट तक करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। एक बार और इक्वल टू, तो वी हैव 0.7084 एंड देन वन मोर इक्वल टू एंड वी हैव 6499, राइट। और बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, इस कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करने वाला हूं a into b, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, मेरे पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, गॉट इट। 4 लाख की जो वैल्यू थी वो 1 साल के बाद की वैल्यू थी, उसमें से 9% की डिजायर रिटर्न मैंने माइनस कर, 9% है ना, कुछ हो रहा है 9% है, सो 9% की डिजायर रिटर्न माइनस कर दी, तो ऐसा करने पर मेरे पास एक प्रेजेंट वैल्यू आ गई है, और ये प्रेजेंट वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई करके बता दो कितना आता है, 4 लाख इंटू दिस नंबर, यस प्लीज, 3,66,960 एंड देन 3 लाख इंटू 0.8416, यस प्लीज, 2,52,480 एंड अगेन 3 लाख इंटू दिस 2, 3, 1, 6, 6, 0, 2, 3, 1, 6, 6, 0, 1 more, 2, 8, 3, 6, 0, 1 more, 2, 5, 9, 9, 6, 0, 9, 9, 6, 0, ठीक है। तो बच्चों ये जो नंबर्स आ गए, इन नंबर्स को हमने क्या कहा, प्रेजेंट वैल्यू। देखो बच्चों 1 साल पर हम कमाएंगे तो 4 लाख,
उसमें से 9% की डिजायर रिटर्न हटा के आज की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल जो अमाउंट का कंपोनेंट जो हमें रिकवर करेगा वो कितना करेगा 366,960। हम लोग दो साल के बाद कमाएंगे तो 3 लाख, बट जो डिजायर रिटर्न है 9% के हिसाब से दो साल की वो हटाने के बाद वैल्यू कितनी बचेगी 2,52,480। 3 साल बाद कमाएंगे तो 3 लाख, उसकी आज की वैल्यू डिजायर रिटर्न हटा के वो ये है एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब हमने डिजायर रिटर्न इन नंबर्स में जो है डिजायर रिटर्न हटा दी है। अब हमें क्या रिकवर करना है, वो अमाउंट जो हमने अपनी पॉकेट से स्टार्टिंग में खर्च किया था, यानी कि कितना 10 लाख। अब हम देखेंगे कि बाकी जो अमाउंट बच गए हैं वो अमाउंट हमारे 10 लाख को कितने सालों में रिकवर करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद अब हमें एक चीज और फाइंड करनी होगी, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोस। राइट, तो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो में फर्स्ट नंबर एज इट इज 366,960, नेक्स्ट नंबर इसमें प्लस हो जाएगा 619440। ओके, नेक्स्ट नंबर 8511400, 113 4460। बस रुक जाओ, हालांकि आगे भी प्लस कर सकते, बेटर पर्सन। हमारा कितना पैसा रिकवर करना था, हमें जो पैसा रिकवर करना था वो कितना था 10 लाख। तो 10 लाख पैसा हमारा 3 साल के बाद और 4 साल से पहले रिकवर हो रहा है ना। तो हमारा पे बैक पीरियड जो है वो कितना है, 3 साल से, 3 ईयर से ज्यादा और 4 ईयर से कम। कैसे फाइंड करेंगे, इंटरपोलेटिंग मेथड। राइट, तो हम लोग कहेंगे सर नाउ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 3 ईयर्स प्लस समथिंग, एंड ये जो समथिंग है ना, इस समथिंग को हमने स्टार बना दिया, स्टार बना के हमने लिखा दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इंटरपोलेटिंग मेथड। और इंटरपोलेटिंग मेथड में हमने कहा कि सर 3 ईयर्स में हमारे पास कैश इनफ्लो कितना रिकवर हो गया था, 851100 है ना, 851100। 4 ईयर्स में कितना रिकवर हो गया था, 11,34,60। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 महीनों में 12 मंथ्स में जो पैसा टोटल रिकवर होगा वो कितना होगा, 2,833,60। राइट, और आपको रिकवरी कहां तक करनी है बच्चों, 10 लाख तक। तो 10 लाख एंड 85 इसको हटा देते हैं, 1,489,00। इसके लिए हमें कितना समय लगेगा, दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट। राइट बच्चों, बुक्स में ना बहुत सारे फॉर्मूला दिए हुए हैं कि डिस्काउंट पीरियड के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आईआर के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नथिंग यू हैव टू यूज, कॉन्सेप्ट इज ऑनली देयर। ठीक है, सो हमने कहा इफ अमाउंट रिकवर्ड इज रुपीज 283,360 देन टाइम, तो टाइम कितना लगेगा, 12 महीने। इफ अमाउंट रिकवर्ड इज रुपीज 1 देन टाइम इज इक्वल टू 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 283,360 एंड इफ अमाउंट रिकवर्ड इज रुपीज 148,900 देन टाइम इज इक्वल टू 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 283,60 इंटू 6.3 क्या आ गया, मंथ्स। तो इसको हम लोग यहां पर ऐड कर दें, सो दिस इज 6.3 मंथ्स। ईयर्स में फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है।
ईयर्स में फाइंड करने की जरूरत है, इट्स फाइन. 6.3 इज अपने आप में एक एक नंबर है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक क्लियर. कोई डाउट इसमें? एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे इसके जैसा. हाँ जी, यस. एग्जांपल नंबर सेकंड तो नहीं है, डिस्काउंटेड के लिए सेकंड है. चलो ठीक है. T0 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 20 लाख. 1, 2, 3, 4, 5 एंड कैश इनफ्लोज. एंड कैश इनफ्लोज आर सपोज टू बी लेट अस से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7. इसको हम डिस्काउंटिंग फैक्टर भी बोलते हैं. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बेसिकली देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न, ये जितने भी रेट होते हैं, ये सभी के सभी रेट फ्यूचर के कैश इनफ्लोज को प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं. इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट करना. फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना मतलब क्या बोलते हैं? डिस्काउंट करना है. तो इसको हम एक एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर रेट, या डिस्काउंटिंग रेट भी बोलते हैं. सो सपोज टू बी 12%. हाँ जी, कर सकते हैं. तो मैं चाहूंगा कि आप करें, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा. सिर्फ प्लीज डू दिस राइट नाउ.